लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए अलर्ट इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं डंकी की चोट पे बोलता हूँ, सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है, बिल्डिंग बन रही है कब्रिस्तान की और शमशान भूमि की जमीनों पे। धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा ये, और आमदार की तो बाकायदा लिखित में मांगनी है, एक से उनकी मांगनी जो हुई वो दलदल वाली। स्लेटर हाउस की जमीन का खुलासा करेंगे आरटीए एक्टिविस्ट हनीफ कामदार जी से। हनीफ कामदार जी जी, अगर आपने अभी इस ताल्लुक से मुझे सवाल पूछा है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे पास जो भी चीज़ है इस ज़मीन के खुलासे को लेके, ये कोई ज़बानी चीज़ नहीं है मेरे पास। ना तो मैं किसी के ऊपर बिला वजह इल्ज़ाम लगाने वाली कभी बातें करता हूँ। जैसे कि यहाँ के हमारे विधायक जो बताते हैं कि वो मुमरा शहर से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो मुमरा शहर से अगर प्यार करते हैं तो उन्होंने ये दलदल वाली ज़मीन क्यों चुनी? ये जो है स्लाटर हाउस की ज़मीन है। ये स्लाटर हाउस की ज़मीन की हमें कब मालूमात मिली? ये तारीख 4/5/2017 को हमने सबसे पहले ये आरटीआई डाली, और ये 4/5/2017 को डाली गई आरटीआई के अंदर हमें इसका जवाब दिया गया। बाकायदा हमारे से 600 रुपया इसकी फीस ली गई, इसकी 600 रुपया फीस ली गई। इस ज़मीन के ताल्लुक से हमने जब जवाब मांगे तो इसकी फ़ीस भरने के बाद हमको यहाँ पे 6/6/2017 को जो है हमको आरटीआई में महानगर पालिका ने जवाब दिया कि इस ज़मीन के ऊपर एसटीपी स्लाटर हाउस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलीचे वसतिगृह यानी प्राथमिक शाला आरक्षित है। तो ये बुनियादी सहूलतें हमारे शहर मुमरा वासियों के लिए यहाँ पे आरक्षण के अंदर मौजूद है। तो ये मौजूदा चीज़ों के ऊपर हमने वापस से एक बार एक और क्वेश्चन डाला कि इस ज़मीनों के ऊपर आपने कोई फेरबदल किया है क्या? महानगर पालिका से हमने सवाल पूछा, क्वेश्चन नंबर मेरा ही दूसरा था। तो उसके अंदर उन्होंने हमको कहा कि इसके जो भी पेपर है भाग नकाशा वो हम आपको दे रहे हैं। तो फेरबदल जब किया जाता है तो भाग नकाशे में बताया जाता है कि ये ज़मीन को हमने यहाँ से यहाँ उठा के डाला है। तो उस वक्त उन लोगों ने हमको जो नकाशा दिया उस नकाशे पे भी हमको उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो है स्लाटर हाउस एसटीपी गर्ल्स हॉस्टल जो भी इसके ऊपर आरक्षण में हमने लिख के दिया है वो वैसा के वैसा ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। मुमरा कब्रिस्तान की इस ज़मीन के बारे में आपके पास क्या नॉलेज है, क्या पेपर वर्क आपने किया था? देखो, मैं सबसे पहले आपको इस ताल्लुक से एक बात बता दूँ कि हमने इसका सबसे पहले आरटीआई डाला था 1/3/2017 को। 1/3/2017 को हमने जब आरटीआई डाला तो उसके अंदर हमको लिख के दिया गया महानगर पालिका की तरफ से कि सर्वे नंबर 51/53/64/69/67/165/117/118 ये ज़मीनों के ऊपर शमशान भूमि और कब्रिस्तान और क्रिश्चन लोगों के लिए ग्रेवयार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आरक्षण है, ठीक है। अब ये आरक्षण वाली ज़मीन जो है यहाँ पे, जो महाराष्ट्र शासन ने 2013 में इसके ऊपर आरक्षण किया है, और महाराष्ट्र शासन की तरफ से आरक्षण होने की वजह से हम लोगों को एक बार इस जगह के बारे में थोड़ा सा ऐसा लगा कि बीच में कुछ यहाँ के एमएलए जो है 2013 से पहले 13 के बाद में वो बता रहे थे कि कब्रिस्तान दे रहा हूँ मैं, फेरबदल करवा रहा हूँ। तो हमने वो सारी जानकारी लेने के लिए हमने बोले कि भाई अगर फेरबदल हो रहा है तो मालूम पड़े ये ज़मीनों पे फेरबदल हुआ है कि नहीं हुआ है और ये ज़मीनें कैसी है। तो उस ताल्लुक से हमने फिर वापस से अप्लाई किए, तो अप्लाई के अंदर हमारे को 12/7/2017 को फिर यही शमशान भूमि और कब्रिस्तान की ज़मीनों की हमको मालूम दी गई, जिसके अंदर साफ तौर पर बताया गया कि अभी तक इधर कोई भी जो पेपर वर्क हमको मिले, जो दस्तावेज मिले, उसके अंदर साफ बताया गया कि इन ज़मीनों के ऊपर अभी तक कोई भी फेरबदल नहीं है, जहाँ की जो ज़मीन है वैसी के वैसी आरक्षण है। तो ये आरक्षण की ज़मीनों का 2013 का मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, 2013 का ये मैं आपको पेपर बता रहा हूँ जो महाराष्ट्र शासन ने आरक्षण किया है और महानगर पालिका ने दिया है। अनिल कामदार जी, जो अभी आप बता रहे हो ये जगह वो जगह कब्रिस्तान की जगह है, तो यहाँ तो किसी बिल्डिंग का काम चलता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली तो ये जगह कब्रिस्तान की है। एग्जैक्टली मैं जो पेपर और जो नक्शे मुझे महानगर पालिका की तरफ से मिले हैं, मैं उसी बुनियाद के ऊपर 101% पूरी गारंटी के साथ बोलूँगा कि यहाँ पे ये कब्रिस्तान की जो सर्वे नंबर की ज़मीनें हैं और शमशान भूमि की और कब्रिस्तान की और क्रिश्चन ग्रेवयार्ड की जो ज़मीनें हैं, ये
है, सारी जमीनों के ऊपर इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसमें एक चीज और मैंने आपको इसके पहले ही बता रहा, अभी भी बता रहा हूँ कि इन जमीनों के ऊपर बाकायदा कंस्ट्रक्शन महानगर पालिका की तरफ से परमिशन लेने के लिए पेपर डाले गए हैं, तो महानगर पालिका अभी तक जवाब नहीं दे रही है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कब्रिस्तान की जमीन का हेर फेर क्यों हो रहा है, ये कौन है इसके पीछे, इसके क्यों कब्रिस्तान की जगह, जो जगह अलॉट गवर्नमेंट ने की वो जगह नहीं मिली। बहुत अच्छा सवाल किए तुमने और मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का मेरे पास माकूल जवाब है। मैं यही चाहूँगा कि जो भी हमारे शहर के जनप्रतिनिधि होते हैं, आमदार खासदार, ये सारी चीज लोग जब कब्रिस्तान की जमीनों की मांगनी करते हैं, शमशान भूमि के लिए मांगनी करते हैं, सुई सहूलियत के लिए शहर के ताल्लुक से जिन जमीनों की मांगनी करते हैं, वो मांगनी के अंदर बाकायदा ये देखा जाता है कि जो जमीनें हमने मांगी है जिस चीज के लिए वो जमीनें क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ पे तो ये क्लियर जमीनों पे ऑलरेडी प्रोसीजर आरक्षण का होने के बाद जो जमीनों पे आमदार और दूसरे जो लोग है वो मांगनी कर रहे हैं, और आमदार की तो बाकायदा लिखित में मांगनी है, एक तो उनकी मांगनी जो हुई वो दलदल वाली जमीन, उसके बाद जो दूसरी मांगनी हुई उनकी वो सर्वे नंबर 29 और सर्वे नंबर 107, भाई कैमरा उधर घुमा, हाँ सर्वे नंबर 29 और सर्वे नंबर 107 जो ये जमीन दिखाई जा रही है, ये जमीन CRZ1 में आती है, जिसकी मांगनी में हमको भी महानगर पालिका ने कहा कि CRZ1 में हम दे नहीं सकते। तो ये क्लियर जमीनें छोड़ के आप CRZ की और दलदल वाली की मांगनी करते क्यों हो? उससे अभी ये बिल्डिंग का काम चालू है ये कब्रिस्तान की जमीन पर, तो आपको क्या लगता है कि ये कब्रिस्तान के लिए वापस आपको मिल सकती है जमीन, मुमरा के मुसलमानों को मिल सकती है? देखो, ये शमशान भूमि और कब्रिस्तान जो चीज है, ये सारी चीजें जो है ये वाकई एक शहर के लिए, सारे समाज के लोगों के लिए धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा ये, और ये सारी धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए सहूलियत के हिसाब से हमने जो RTI में आज तक काम किया, तो हमारी कानूनन लड़ाई जारी रहेगी कि ये सारी जमीनें जो हक है वो मुमरा शहर वासियों को मिलना चाहिए और हमारे शहर के रहने वाले सारे समाज के लोगों को ये हक मिलेगा, इसके लिए हम रात और दिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि इन जमीनों को लेके जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए मुमरा कोसा की आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, उनको सामने आना पड़ेगा, ये मेरी सबसे दरख्वास्त है। अगर महानगर पालिका सही है तो मेरे RTI का जवाब दे।